अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, डायरेक्ट हम अपनी रेसिपी की तरफ ही जाते हैं। आज हम बना रहे हैं भल्ले और पकौड़ियाँ दही भल्लों के लिए। ये है मूंग की दाल, उसको भिगो के रखा था 2 घंटे, और उसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये मिर्च आ रही है, धनिया पाउडर डाला, नमक डाला, और इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालिए जाएगा और ये फिर होगा अच्छे से। आगे मैं जाके आपको दिखाती हूँ कि इसका जो मिक्सचर है वो किस तरह का होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। ऐसे आप साथ साथ थोड़ा सा पानी डालेगा क्योंकि, और थोड़ा सा फिर बेसन डाल दीजिएगा आप। ये देखिए, ऐसे मिक्स कर लीजिएगा और बेसन डाल के फिर से एक बार इसको घुमा लें। तो जिस दाल, जिस पानी में आपने भिगोई होगी ना दाल, वो थोड़ा सा पानी निकाल के उसी में आपने डाल देना, ठीक है। ये पकौड़ियों का ये हमने बेसन लिया है और इसमें हस्बी ज़रूरत है आप बेसन ले लें। उसमें नमक डाला है, ये हल्दी डाल रहे हैं, और हल्दी के बाद मिर्ची, लाल मिर्च डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, एंड दैट्स इट। ये हम बना के रख लेते हैं, फिर जब भी कभी दही भल्ले बनाने हों तो पानी में डिप करके फिर रख लेते हैं। फिर इजीली, मतलब आसानी से, अगर कोई गेस्ट भी आ जाए या वैसे ही खाना कुछ बनाने की, ज़ीरा अम्मी ने डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और अजवाइन है, ये अजवाइन है थोड़े डाली, ये लाल मिर्च है। तो हम ऐसे बना के रख देते हैं ना, तो फिर कोई भी आ जाए, फ्रिज में रख सकते हैं इसको बना के इजीली। तो कोई मेहमान आ जाए या आपका खाने को दिल कर रहा हो तो निकालें नीम गर्म पानी में, आप उसको भिगो के रख दीजिए। ये बेकिंग सोडा डाला है, ठीक है, हमने बेकिंग सोडा पकौड़ियों में डाला है, भल्लों में नहीं डाला, ठीक है। ये बेकिंग सोडा डाला है थोड़ा सा, बिल्कुल एक पिंच, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। और इसका टेक्सचर ये है, हाँ ये है भल्लों का मिक्सचर और ये है पकौड़ियों का मिक्सचर। तो अभी मेरी स्टार्टिंग में, अभी मैंने ज्वाइन किया यूट्यूब, तो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो ये हम इसको हम बना लेते हैं, पेस्ट बना के रख लेंगे। पहले हम बनाते हैं भल्ले। चलिए, ऑयल गरम रख करने के लिए रख दिया है, और वीडियो में इसकी स्पीड बढ़ा दूंगी ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। ये हम पकौड़ियों का बना रहे थे, ये हैं भल्ले, ये भल्ले डाल रही हैं मम्मी। इसका इस तरह से आप स्पून में ना, स्पून भर भर के डाल दीजिएगा इस तरह से, और मीडियम ही फ्लेम हो आपकी, हाई फ्लेम नहीं हो। इस तरह से बन के निकलेंगे, ये देखिए, और इतने सॉफ्ट और मज़े के हैं ना, मैंने तो 2-3 ऐसे ही खा लिए थे, बहुत मज़े के बनते हैं ये। बाकी आप अगर मिर्ची हल्की सी अपने उसके मुताबिक करना चाहते हैं, जैसे आपको तीखा थोड़ा पसंद है तो आप डाल लीजिएगा, वरना दही भल्लों में डाल दें तो ये इसमें नॉर्मली ही रखते। ये भल्लियों का टेक्सचर, पकौड़ियों का, जो पकौड़ियाँ होती हैं उसमें डालते हैं, जो ये उसका टेक्सचर अम्मी ने बनाया, ये इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो नॉर्मल 2 फ्लेम पे आपने रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है, वो ये एकदम से फिर जाके गोल्डन हो जाएंगी, अंदर से फिर कच्ची कच्ची रहेंगी या फिर सख्त हो जाती हैं। इस तरह से आपने इसको स्मूथ कर लेना है बिल्कुल। और ये मिल जाती है, आई थिंक पाकिस्तान से भी मिल जाती है, तो हमने तो यहाँ से सोदिया से ही ली है। ये जो 5 रियाल दुकान है ना, वहाँ से मिल जाती है, ये शॉप जो है 5 रियाल वाली, उधर से ये मिली थी, आई थिंक 5 की ही मिली थी। तो हम इसी में ही निकालते हैं, इस तरह से सीधा करके भी निकाल सकते हैं, इस तरह से उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। उल्टा करके इसलिए निकाल रहे थे कि वो जब सीधा करके निकालते हैं ना, तो फिर उसमें ना वो हो जाता है, इसका कमज़ोर हो रहा था इसका हैंडल, तो हमें ये था कि टूट ना जाए फिर, इसलिए मम्मी फिर ना इसको उल्टा करके ही इसके निकाल देती हैं। फिर तो ये तो अंदर वाली साइड तो भी कर सकते हैं ना, चमचा भी होता है चावल वाला, क्यों निकलन दिया है ना एक बार ना, हमने उससे बनाई थी ऐसे, तो
जो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाबू वाला चमचा इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।